हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी में पार्ट नंबर 6 को, प्रकृति की सीख। तो आइए पाठ को पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, उस पाठ का सार देखेंगे, क्योंकि ये आपकी एक्चुअली कविता है तो इसमें हमें भावार्थ भी देखना होगा। तो प्रकृति की सीख पाठ है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। पर्वत कहता, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है, लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर, उठ उठ गिर गिर, तरल तरंग भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती, धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। दब कहता है, फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, तो एक बार हमने रीडिंग कर ली। सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है ये वाली कविता। ठीक है, ये फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे थे। 1906 से 1988 इनकी ईयर रही है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बताशा, शिशु भारती इनकी प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो ये एक्चुअली आगे आने वाले एग्जाम्स में ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से और याद कर लीजिएगा। अब हम इसका सार पढ़ते हैं। पर्वत कहता, डैश डैश लाओ। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं बच्चों। संदर्भ में क्या लिखेंगे? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका पाठिका के प्रकृति की सीख नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। प्रसंग लिखते हैं उसके बाद। इस कविता में कवि लिखता है कि प्रकृति अपने विभिन्न रूपों से हमें सीख देती है। अब इसका भावार्थ लिखेंगे। पर्वत सिर उठाकर कहता है कि तुम सब मेरे समान ऊंचे बनो। समुद्र लहराकर कहता है, मन के अंदर गहराई लाओ। भाव यह है कि पर्वत और समुद्र मनुष्य को महान और गंभीर होने की प्रेरणा देता है। समझ रहे हैं? डैश 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 उमंग। तो इसका भावार्थ है, क्या तुम यह बात समझ पा रहे हो कि पानी की चपल या चंचल लहर ऊपर उठ उठ कर फिर नीचे गिर गिर कर क्या संदेश दे रही है? यह कह रही है कि तुम अपने मन में मधुर उत्साह जोश भरो। पृथ्वी कहती, डैश 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 सारा संसार। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी के सिर पर बहुत अधिक भार है, यह इसे धैर्य पूर्वक सहती है और सबको धैर्यवान होने की प्रेरणा देती है, तथा आकाश भी सारे संसार को ढक लेने के लिए प्रोत्साहित है कर रहा है, अर्थात व्यक्तित्व को महान बनाने की प्रेरणा देता है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को कविता का भावार्थ सरल शब्दों में जरूर बताएं। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। तरल तरंग क्या होती है? पानी की चपल या चंचल लहर को बोलते हैं। धैर्य यानी धीरज होता है। मृदुल कोमल होता है। उमंग यानी जोश या फिर उत्साह होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हम इसके पहला बोध प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पर्वत क्या संदेश दे रहा है? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। पर्वत संदेश दे रहा है कि तुम भी ऊंचे यानी महान बन जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, खा तरंग क्या कहती है? तो उत्तर लिखेंगे, तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो, जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चे या प्यारे शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों ना हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। घा है पहले का, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। ये रहा, नभ कहता है, फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, तो आकाश यानी आकाश नभ को बोलते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है।
नीचे स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ खा यानी ये वाला स्तंभ की बात हो रही है, उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो हम इनको मिला देंगे बच्चों। पहला हुआ पर्वत कहता है ऊंचे बन जाओ, दूसरा सागर कहता है मन में गहराई लाओ, तरंग हृदय में मृदुल उमंग भर लो, पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो और नव ढक लो तुम सारा संसार। तो ये इनका सही क्रम होगा, तो का को खा से मिला लेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का है सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों का भाव लिखेंगे, लहरें मारता हुआ सागर कह रहा है कि गंभीर बनो। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, इसका भावार्थ देखेंगे, पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों ना हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, तो इसका भाव देखेंगे बच्चों, तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। तीसरे का घा है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, तो इसका भावार्थ यानी भाव लिखेंगे, आकाश सीख दे रहा है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। क्वेश्चन नंबर चार है, सोच विचार बताइए। हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है, बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अपने स्तर से स्वयं सोचने का प्रयास करें और उत्तर खुद ही बताएं, क्योंकि तो हमें यहाँ पे बताना है बेसिकली। ठीक है, तो आप जो भी चीज देखते हैं या जो भी चीज आपको दिखाई देती है उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि इस पोयम में बताया गया है, हमने आकाश से सीखा, हमने लहर से सीखा, हमने धरती से सीखा, हमने आसमान से सीखा, और हम पेड़ पौधों से सीखते हैं, हम नदियों से सीखते हैं, जिस जिस चीज से आप जो भी चीज सीखते हैं वो आपको यहाँ पे उन चीजों के नाम लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने हिंट आपको दे दी है, अब है तुम्हारी कलम से। पांचवा प्रश्न है, लिखिए क्या सीख मिलती है वृक्षों से, नदियों से, फूलों से, कोयल से। तो वृक्षों से लिखेंगे, वृक्षों से परोपकार की सीख मिलती है, नदियों से भी परोपकार की सीख मिलती है, फूलों से दूसरों को आकर्षित करने की सीख मिलती है, कोयल से हमें वाणी में मधुरता लाने की सीख मिलती है। ठीक है, देखो जैसा मैंने पहले बताया, जैसे पहले वाला प्रश्न था उसमें देखो फूलों से, कोयल से, नदियों से, वृक्षों से, ये सारे ऑप्शंस आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको इन सब से सीखने को मिलता है। अब करने की बारी, पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो मैं आपके लिए एक डमी पिक्चर लेकर आई हूँ जिसमें आपके एक लहराता हुआ सागर है और यहाँ पर पहाड़ है, चित्र है यानी पर्वत है जो ऊंचे ऊंचे उठ रहे हैं, ये पर्वत पहाड़, यहाँ पे सन दिख रहा है। ठीक है, इस तरह पेड़ बना सकते हैं आप, नहर सागर बना सकते हैं, पर्वत बना सकते हैं, और इसमें कलरिंग कर सकते हैं, ऊपर आप थोड़े से क्लाउड्स दिखा सकते हैं यानी बादल दिखा सकते हैं, ठीक है, आइस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब करने की बारी, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। तो एक तो यही कविता हो गई जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है, यानी जो ये वाला पार्ट है ये भी कविता प्रकृति पर है। दूसरी आपको और कविताएं लिखनी है तो मैं एक कविता आपके लिए लेकर आई हूँ, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है मार्ग वे हमें दिखाती है, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, नदी कहती है बहो बहो जहां हो पड़े ना वहां रहो। जहां गंतव्य वहां जाओ,
पूर्णता जीवन की पाओ, जहां गंतव्य वहां जाओ, पूर्णता जीवन की पाओ। विश्वगति ही तो जीवन है, अगति तो मृत्यु कहाती है, अगति तो मृत्यु कहाती है, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। बड़ी ही प्यारी पोयम है ये। आप इस वाली कविता को याद करके लिख सकते हैं, या इसको आप अपनी किताब में या कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको संकलन करना यानी इकट्ठा करना है। अब इस कवि करने की बारी, इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए, यानी कि आपको ये वाली पोयम बच्चों याद करनी है और क्लास में सुनानी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बड़ी ही प्यारी है, हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बस मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले के लिए दिखा दी है ताकि आप ये वाली कविता पढ़ लें और अपने क्लासमेट्स को सुनाएं या अपने टीचर को सुनाएं, अपने घर पे बड़े भाई बहन को सुना सकते हैं। बट आपको याद जरूर करनी है, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मैंने भी ये कविता याद करी, मुझे आज भी याद है ये। अब है प्रश्न नंबर 7, मेरे दो प्रश्न। कविता के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बनाएंगे, प्रकृति की सी कविता के रचयिता कौन है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल बनाएंगे, मन में गहराई लाने की सीख कौन दे रहा है। इस कविता से मैंने सीखा, मैं करूंगी या करूंगा। तो लिखेंगे, पृथ्वी की तरह हमें भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो ये मैंने सीखा है इससे। मैं करूंगी, तो मैं तरंग की तरह मैं भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बायस ब्रेडर को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली इस चैनल का नाम मैंने अब चेंज कर दिया है, किड्स प्लेयर की जगह मैंने बायस ब्रेडर कर दिया है, ठीक है बच्चों।